हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट भारतीय डाक विभाग के रिजल्ट स्टेटस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो रिजल्ट जारी किया गया है अभी वो है उत्तर प्रदेश सर्किल साइकिल टू रिजल्ट का। तो यहां पर इसका जो नोटिस है या फिर जो पीडीएफ है सेलेक्टेड कैंडिडेट का वो जारी हो चुका है। और जो ये रिजल्ट सेक्शन है यहां पर आप क्लिक करेंगे और साइकिल टू का जो रिजल्ट है वो फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 3,951 पदों के लिए निकाली गई थी। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सर्किल साइकिल टू का ये नोटिफिकेशन या फिर रिजल्ट का जो नोटिस है वो आपको यहाँ दिया गया है। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ब्रांच का नेम है, आपका जो पोस्ट का नाम है, आपका डिवीजन है, कैटेगरी है, नंबर ऑफ पोस्ट है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाता है। साथ में सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो परसेंटेज है वो भी आपको मिल जाएगा, उनका नाम भी आपको यहाँ लिस्ट में मिल जाएगा। यदि आपका इसमें नाम है इस लिस्ट में तो फ्रेंड्स आपको कॉन्सुलेशन है, और अगर जिनका नंबर नहीं आया है वो नेक्स्ट टाइम भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से 127 पेजेस की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जो कि पोस्ट वाइज यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर सिलेक्शन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है इंडियन पोस्ट में मेरिट बेस पे होता है, 10 की परसेंटेज बेसिस पे। और यहाँ पर अब आपका होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये जो नोटिस है ये 10 जून 2020 को जारी किया गया है। और ये जो नोटिस है या फिर उसका ऑफिशियल जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने यहाँ पर अप्लाई किया है आपका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।